प्लीज़ सब लोग ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है तो उसे ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसे उसके लिए हमें ब्लड डोनेट। क्या नाम है आपका? काशी। जी मिली हमको, ब्लड डोनेट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और आपने कभी किया? जीवन में कितनी बार रक्तदान किया है? यह 5 साल बाद किया। मैं देखिए, मैं 62 साल का हूँ, मैंने 71 बार अब तक ब्लड डोनेट किया हुआ है और मैं स्वस्थ हूँ, 18 घंटा काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं आती। 5 मिनट जो भैया बताएं ना कि बच्चे होते हैं मेनिया, प्लास्टिक मेनिया के, मतलब उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। मेरे मित्र था, उसके बच्चों को यही हुआ, मतलब इतना ब्लड देने के बाद वो नेगेटिव रेयर केस था, लेकिन बच नहीं सका। यहाँ से हमारा जब ब्लड जाता है हमारे सेंटर में, वहाँ पर उसको हम बाइफरगेट कर देते हैं, जिसमें से प्लेटलेट, प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट और RBC, ये चारों अलग अलग कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक दान बचाए 4 जान। दोस्तों आपने सामने ब्लड मोबाइल BHU लिखा हुआ एक वैन देख रहे होंगे, बहुत बड़ी एम्बुलेंस है ये, और रक्तदान महादान माना जाता है। और हम आज छात्रों को बताने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होता है इसमें, अगर आप ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं तो, और ख़ास करके इसके बारे में जो भी बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 हैं, एक लखनऊ PGI में है और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में है। थैलेसीमिया के बहुत सारे पेशेंट रजिस्टर्ड हैं और कैसे वर्क करता है ये देखने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं टूरिस्ट बस है पूरी, और रक्तदान महादान लिखा हुआ है, UPCS का है ये, और अंदर चलते हैं देखने की कोशिश करते हैं ये। अगर आप अंदर आएंगे तो देखेंगे काफ़ी एक बढ़िया, काफ़ी ठंडक है, अंदर घुसते ही ठंडक महसूस हो रही है। AC लगा हुआ है ना सर? फुल्ली एयर कंडीशन है, फुल्ली एयर कंडीशन है ये। और क्या नाम है सर आपको वैसे? मैं डॉक्टर SK सिंह, चीफ मेडिकल अफसर, सतेंद्रलाल हॉस्पिटल ब्लड बैंक। अच्छा, आप वहाँ के सतेंद्रलाल हॉस्पिटल के BHU के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, क्या काम है सर आपका यहाँ पे ये बताइए। ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, ये ब्लड मोबाइल वैन है ना, ये यहाँ पर BT में हम लोग लगाए हुए हैं, है ना। ये BHU कैंपस में हम लोग अक्सर जो है ये इस तरीके का कैंप मोबाइल वैन लगाते हैं, और जो भी स्टूडेंट हैं या दर्शनार्थी हैं, है ना, ब्लड डोनेशन के लिए इच्छुक होते हैं, वो आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। इसमें 4 काउच है ना, फुल एयर कंडीशन है, एक साथ 4 लोगों का ब्लड जो है हम डोनेट करा सकते हैं। अच्छा। इसमें 4 रेफ्रिजरेटर है, जिसमें कम से कम 150 यूनिट जो है ब्लड हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रख सकते हैं, है ना। इसमें सारी सुविधाएं हैं, मतलब इनबिल्ट फ्रिज भी है, सब कुछ हम इसमें लेकर के घूम रहे हैं। ये पूरा एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल है एक तरीके से, ये मिनी हॉस्पिटल क्या, एक तरीके से मिनी ब्लड डोनेशन कैंप का, कहीं भी रोड साइड में खड़ा करके हम कैंप कर सकते हैं। अच्छा, बाहर जो आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो भी इस बस की कुर्सी है, इसमें टेंट भी जो है 8 फीट टेंट निकलता है, कहीं भी खड़ा करके हम टेंट निकाल करके कुर्सी लगा करके हम डोनेशन करा सकते हैं। सर इंचार्ज है यहाँ के, सर ये बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में ये क्या BHU का अपना है कि ये UP गवर्नमेंट ने दिया है? इसे नाको ने दिया है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, है ना, नाको ने यूपी शेख को दिया, जो यूपी की मतलब इसकी यूनिट है, और उन्होंने जो है ये BHU ब्लड बैंक को, BHU ब्लड बैंक पूर्वांचल का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। अच्छा। है ना, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से भी मरीज आते हैं, नेपाल से भी मरीज आते हैं। अच्छा। और हमारे ब्लड बैंक का टर्नओवर करीब 25-30 हज़ार यूनिट पर NM है ना, तो 100 से 150 यूनिट पर डे का जो है, क्योंकि सब मेजर ऑपरेशन है, जो ट्रामा के मरीज आते हैं, एक्सीडेंट के आते हैं, वो गर्भवती महिलाएं जिसे प्रसव के बाद जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया के बच्चे हैं, HIV है, एड्स है, लावारिस है ना, इन सब लोगों के ब्लड की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, रूटीन ऑपरेशन भी जो होते हैं उसमें भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड जो है, जो आदमी आता है पैसा लेकर के तो आता है, आदमी लेकर के नहीं आ सकता है। और ब्लड के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका सोर्स सिर्फ मानव है, मानव के अलावा इसका कोई भी सोर्स नहीं, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। तो कोई आदमी जब ब्लड देगा तभी हम मरीज को ब्लड दे पाएंगे। और दूसरी ब्लड की ये विशेषता है, जिस मरीज को ब्लड की ज़रूरत है वो ब्लड से ही उसकी जान बच सकती है, अदरवाइज कोई दवा उसके जगह पर काम नहीं आती। तो ये 2 ऐसे फैक्टर हैं कि इसका सोर्स
मानव है, और दूसरा जो है जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसकी जगह पर दूसरी चीज़ नहीं काम आती है। तो ये ब्लड से लोगों की जान बचती है, और कोई भी आदमी जो 18 से 65 साल का है, जिसका वेट 45 किलोग्राम है, जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 है और पूरी तरीके से स्वस्थ है, वो साल में 4 बार जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। 4 बार कर सकता है। मैं देखिए, मैं 62 साल का हूँ, मैंने 71 बार अब तक ब्लड डोनेट किया हुआ है और मैं स्वस्थ हूँ, 18 घंटा काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं आती। 5 मिनट जो है लगता है ब्लड में, सिर्फ 350 ml ब्लड लिया जाता है, बॉडी में लगभग जो है 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। तो कोई भी स्वस्थ आदमी 4 बार डोनेट कर सकता है। और ये जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, क्या उन लोग जो हर समय संशय में रहते हैं कि शायद मेरा ब्लड अच्छा ना हो, हम डोनेट ना कर पाएं, या फिर मैं पकड़ा जाऊं ऐसे, तो उनका क्या इलाज है? हमारे यहाँ एक क्वेश्चनेयर है ना, हमारे काउंसलर क्वेश्चनेयर देती है, उसमें करीब 20-25 क्वेश्चन है, अगर उसमें हाँ ना में जवाब देना होता है, अगर उसमें आपके जवाब का एक भी अगर ना में आता है तो हम आपका ब्लड डोनेशन नहीं कराते हैं। नहीं कराते हैं। कोई ब्लड डोनेशन तो इसलिए कि हमको जो है सेफ्टी ऑफ डोनर और सेफ्टी ऑफ पेशेंट दोनों देखना है। बिल्कुल। अगर कोई जो है मरीज, कोई डोनर है जिसके में कोई रोग है ना, और उसका ब्लड अगर किसी दूसरे को देंगे जो है, तो उसमें एक तो ब्लड की कमी से उसका जो हम दूर कर रहे हैं कि वो ठीक हो, और एक और रोग उसमें अंदर डाल दे रहे हैं। इसलिए जो भी ब्लड ले जाते हैं हम, पहले उसका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस, मलेरिया के लिए जांच करते हैं, और ये अत्याधुनिक जो है मेथड से जांच कर नेट टेस्टिंग पूर्वांचल में सिर्फ जो है आपके ससुंदरलाल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में होता है। इतना ज़्यादा खासियत आप बता रहे हैं ससुंदरलाल हॉस्पिटल की, सुना इधर भी ब्लड बैंक खुला है, और पूरे बनारस में ब्लड बैंक वो पहला ब्लड बैंक है बनारस का। कौन? ससुंदरलाल हॉस्पिटल में। हाँ, ससुंदरलाल हॉस्पिटल का ब्लड बैंक जो है बहुत पुराना है, बहुत पुराना, और इधर भी अभी जो है काफ़ी एडवांस हो गया है। जितने भी एडवांस टेक्निक है जो है, अभी ये रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हो गया है ना, यहाँ पर और ब्लड बैंक के जो स्टाफ होते हैं वो आते हैं और ट्रेनिंग मतलब कराते हैं। नेट टेस्टिंग यहाँ होती है, इसलिए इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में नहीं होती, तो वहाँ के सैंपल आपके ब्लड बैंक में आता है यहाँ ससुंदरलाल में, और रिपोर्ट करके वहाँ भेजा जाता है। ठीक है सर, थोड़ा सा इनसे भी बात कर लें हम। क्या नाम है अभी आप? आशुतोष सिंह। आशुतोष भैया, ये बताइएगा कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ BHU का, BHU में ये वैन रेगुलरली खड़ी रहती है, मिल जाती है, तो मैं अंदर घुसा, क्या क्या प्रोसेस होता है कि हम अपना ब्लड डोनेट करें, और कितने देर में हम खाली हो जाएंगे इससे? जैसे इसमें ब्लड डोनेट करने के पहले जो है आपका एक मेडिकल फिटनेस किया जाता है, जिसमें जो है पहले जो है हमारे पास एक क्वेश्चनर फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म पे आपको पेशेंट आपका जो है पूरा नाम, एज, आपका पूरा एड्रेस और आपका एक हिस्ट्री ली जाती है, आपने खाना खाया है नहीं खाया है, आपको कोई बीमारी तो नहीं हुई है, आपको रात में नींद तो पूरी हुई है, ये सारे बेसिक जो है सारे सवाल होते हैं इसमें, और इस सारे सवालों का हाँ या ना में आपको जवाब देना होता है। ठीक है, उस जवाब के बिहाफ पे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि मतलब आप इस पूरी तरीके से स्वस्थ हैं या नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग आपका एक हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करने के बाद अगर हीमोग्लोबिन मोर देन 12.5 से ज्यादा रहेगा तभी आप एलिजिबल होंगे ब्लड डोनेट करने के लिए, नहीं तो नहीं कर, नहीं तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो एज, वेट जो है आपका मोर देन 45 kg से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया है जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको हमको फॉलो करना होता है। बॉडी मास इंडेक्स पूरा मैच करना चाहिए। हाँ, वो बॉडी मास इंडेक्स दैट इज अनदर इशू, वो एक अलग चीज है, लेकिन बेसिकली हमारे पास हीमोग्लोबिन का लेवल जो है हम लोग मेजरमेंट करते हैं, हीमोग्लोबिन अगर ठीक रहेगा तभी आप डोनेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे ब्लड डोनेट करने के लिए। एक बार में कितना ब्लड आप लोग निकाल लेते हैं? एक बार में जो एज पर जो हमारी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हम लोग 350 ml ही ब्लड निकालते हैं। हाँ, 350 ml ब्लड निकालते हैं, और बेसिकली उस ब्लड को हम लोग 4 अलग अलग कॉम्पोनेंट में बनाते हैं। वो यहाँ से हमारा जब ब्लड जाता है हमारे सेंटर में, वहाँ पर उसको हम बाइफरगेट कर देते हैं, जिसमें से प्लेटलेट, प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट और RBC, ये चारों अलग अलग कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक दान बचाए 4 जान, मतलब एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो 4 डिफरेंट पीपल्स को वो चढ़ता है, तो 4 लोगों की जिंदगियां बचती हैं। 4 लोगों की बचती है। और ये जैसे मान लीजिए ब्लड इन्फेक्टेड है, या फिर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, चाहे पॉजिटिव है या फिर उसको कुछ भी है, कोई भी बीमारी है, तो क्या तुरंत उसका जांच करके ही ब्लड लेते हैं कि ब्लड ले लेते हैं बाद में जांच होती है? जब हम ब्लड ले लेते हैं, मैं आपको एक चीज और, जैसे सर ने बताया कि हमारे यहाँ नेट टेस्टेड ब्लड है। नेट टेस्टेड का मतलब अगर इसको हम एक नॉर्मल भाषा में लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम उसको अगर टेक्निकली बताएं तो उसमें एक चीज होता है कि जैसे आज आपके बॉडी के अंदर HIV का इन्फेक्शन गया, तो वो HIV का इन्फेक्शन
ब्लड टेस्ट जो हम जो नॉर्मल टेस्टिंग होती है मेथोडोलॉजी उसके बीच में आने में जो कार्ड टेस्ट होता है मार्केट में होता है कार्ड में टेस्टिंग होती है उसको आने में लगभग 5 से 6 महीना लग जाता है। मतलब आज हम कहीं रेड लाइट एरिया में गए और हमने HIV का इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया, कल हम ब्लड डोनेट कर दिए या परसों हमने ब्लड डोनेट कर दिया तो कोई ब्लड बैंक उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि नहीं आप HIV पॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव आएगा लेकिन आपकी बॉडी के अंदर उसका वायरस पड़ा हुआ है और अगर वह ब्लड किसी नॉर्मल पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसको भी HIV हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए जो NACO है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एड्स को कंट्रोल करती है, उन्होंने ब्लड बैंकों को कवर किया। एक्चुअली में अगर आप एक डाटा देखेंगे तो उसमें मोर देन 85% ऑफ केस जो HIV फैलने का होता है वो होता है कि ड्यू टू द मल्टीपल नहीं जो 85% जो कॉज होता है वो होता है हमारा मल्टीपल जो इलीगल रिलेशनशिप की वजह से होता है और मतलब अनसेफ सेक्सुअल उसकी प्रोसेस की वजह से 85%। लेकिन बाकी के जो 15% होते हैं उस 15% में ये सब चीजें आती हैं। लेकिन आपको बताएं कि जितना इस 15% पे फोकस किया जाता उतना 85% पे नहीं फोकस किया जाता है। पूछे क्यों? क्योंकि 85% वाले में आप अवेयर होते हैं, आप जानते हैं, आप अपनी चीजों को समझते हैं, इसलिए आप उस चीज में वो होते हैं। लेकिन बाकी का जो 15% होता है उसमें अगर कोई पेशेंट ICU में लेटा हुआ है वो तो अनकॉन्शियस स्टेज में है और अगर हम उसको HIV पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो सोचिए कि दुनिया में इससे बड़ा क्राइम कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए ब्लड बैंकों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कि ब्लड बैंकों को कैसे स्ट्रेंथ किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने सारे ब्लड बैंकों को कवर किया और उनकी चीजों को टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश किया। तो जैसे जो मार्केट में टेस्ट होता है जो HIV का इन्फेक्शन विंडो पीरियड उसको बोलते हैं 6 महीने में हम डिटरमाइन करते हैं, उसी को करने के लिए ELISA टेस्टिंग किया। आज के समय में इंडिया के जितने भी ब्लड बैंक हैं सारे ब्लड बैंक ELISA टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। लेकिन हमें बताते हुए ये प्राउड हो रहा है कि जो ELISA में भी एक ELISA की एडवांस टेस्टिंग होती थी ELISA 4th जनरेशन टेस्ट, जो वो विंडो पीरियड ELISA 3 मंथ्स का विंडो पीरियड देता है, ELISA 4th जनरेशन हम लोग लगभग 45 दिन का विंडो पीरियड होता था। मतलब आज इन्फेक्शन हमारे में आया तो हम 45 डेज के भीतर में ही डिटरमाइन कर लेते थे। इतनी टेक्नोलॉजी हाई थी। आज के डेट में हम ELISA 4th जनरेशन से भी एक एडवांस टेक्निक जिसको सर ने बताया NAT न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, ये टेस्ट हम कर रहे हैं जो पूरे पूर्वांचल में पहला ब्लड सेंटर है जो इस टेस्ट को कर रहा है। और ये जो विंडो पीरियड जो हम बताए कि 6 महीने का होता है इसको रिड्यूस करके हम लोग 7 to 11 days तक ले आए। अच्छा। मतलब अगर आज के डेट में आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आया तो 7 से 11 दिन के भीतर में ही, अगर 7 से 11 दिन से अगर क्रॉस कर गया 7 दिन से, तो हम उसको डिटरमाइन पकड़ लेंगे क्योंकि वो हमारी उस तरीके की हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब हमारा रिस्क पीरियड जो है, जो HIV स्प्रेड का रिस्क पीरियड है, वो हमारा मिनिमाइज हो गया। तो हम और सेफ ब्लड दे पा रहे हैं पेशेंट को, ये हमारे यूनिवर्सिटी के लिए प्राउड का सब्जेक्ट है। लोग बोलते हैं कि ब्लड डोनेशन करने के बाद एक बहुत अच्छी कॉफी बना करके दी जाती है। देखिए दो चीजें होती हैं, कॉफी और फ्रूटी से है। ऐसा नहीं कि ब्लड का कोई बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें बस एक मेजर चीज है कि ब्लड जो है जब आप डोनेट करते हैं, डोनेट करने के बाद आपको हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, 10-15 मिनट आपको रिफ्रेशमेंट देते हैं। अच्छा। उस दौरान आप कॉफ़ी पीते रहेंगे या फ्रूटी पीते रहेंगे तो हम आपको वॉच करते हैं क्योंकि कुछ वेसोफिकल रिएक्शंस होते हैं जो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बॉडी थोड़ी एक अलग स्टेज में जाती है, तो इसलिए उसको वॉच करने के लिए 10-15 मिनट लगता है उसको नॉर्मल होने में, तो इसलिए उतने देर के लिए हम लोग रिफ्रेशमेंट देते हैं ताकि आप रेस्ट कर सकें। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कोई एक लड़का है बहुत ज़्यादा पतला दुबला है लेकिन उसके में ब्लड है, जितना ब्लड तो सबके में होता है, जितना अमाउंट रहना चाहिए, अगर वो ब्लड डोनेट करता है तो उसे डर रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए चक्कर खा करके, उसको क्या सुझाव देना चाहिए? चक्कर खाना एक वेसोवेगल रिएक्शन होता है, वो एक अलग चीज होता है, उसका ब्लड से कोई बहुत लेना देना नहीं है। अगर आपका हीमोग्लोबिन मोर देन 12.5 है, आपका वेट 45 kg है, तो चक्कर आने के लिए ब्लड निकलना कोई वो नहीं होता है। अच्छा। अगर कभी किसी को हम लोग के यहाँ किसी को चक्कर आता भी है, कुछ भी आता है, तो हम लोग सीधे उसको लिटा के उसका पैर ऊपर कर देते हैं, ब्लड का फ्लो तेजी से ब्रेन के साइड में जाएगा एंड इट विल बी नॉर्मल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होने लगेगा। तो इसीलिए चक्कर आने बहुत बार आपने देखा होगा प्रैक्टिस में कि कोई जो है ब्लड देख करके उसको चक्कर आ जाता है, कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको चक्कर आ जाता है। आएंगे क्या आप इधर? जी जैसे यहाँ पे पूरा ये यहाँ पे चार लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको? ये हमारे डोनर काउच हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फुल्ली जो है मतलब हमारे पास इंडिया में इसमें की 18 बसें लॉन्च हुई थी 2010 में, जिसमें एक हमारे पास मिली भी है चूको।
मतलब यूपी में दो हैं। यूपी में दो बसें हैं, एक SGPGI के पास है और एक हमारे यहाँ BHU में है। क्या और भी जरूरत नहीं है इस बस की? नहीं, और जरूरत है, लेकिन चूंकि इसका कॉस्ट और इसका मेंटेनेंस और इसकी चीजें इतनी वो हैं कि अब सिर्फ हायर सेंटर को ही प्रोवाइड की गई थी, जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं। अभी जो है जैसे मंडली हॉस्पिटल या छोटे छोटे हॉस्पिटल में छोटी छोटी मिनी वैन जो है प्रोवाइड की गई है, वो तो वो लोग चलाते हैं उसको। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मुझे पता चला ये बात कि ये लगभग 29 करोड़ की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका जो कॉस्ट आया था वो, चूंकि हम लोग का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक अप्रोक्सीमेटेड कॉस्ट जो है 1 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लगाई गई थी उस समय जब ये आया था, तो ये डिजाइन कर करके कंपनी की तरफ से इसको किया गया था। अच्छा भाई साहब, एक चीज होता है, हर चीज में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स सब में होते हैं। अच्छाइयाँ तो हैं कि हम सबकी जान बचा रहे हैं, सारी चीज़ें, इसमें क्या बुराइयाँ क्या हैं, कॉन्स क्या हैं इसमें? मतलब क्या, आपका बुराइयाँ पूछने का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने ब्लड डोनेट कर दिया, ठीक है, मान लीजिए कुछ इन्फेक्शन फैल गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमने बोला चक्कर खा के गिरने वाली बात, कुछ तबीयत खराब हो गया, कुछ ऐसा होता है, क्या हो सकता है उसके बाद हमारे साथ अगर हम ब्लड डोनेट कराते हैं? अभी तक हम लोगों के, मेरा 12 साल का अनुभव रहा है यहाँ का, अभी तक हम लोगों का ऐसा कोई फेज नहीं आया कि ब्लड डोनेट करने के बाद और आपको कोई इस तरीके की, हाँ एक रिएक्शन हो सकता है, वेसोवेगल रिएक्शन थोड़ा हायर लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन उसको हम ये नहीं डिनोट कर सकते कि नहीं ये इसकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं करिए, वो एक अलग चीज हो जाती है, उसको आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप जो चीज है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि हमारे यहाँ अस्पताल में लगभग 350 से 400 जो है थैलेसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड नहीं बनता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे ना, इतने छोटे छोटे बच्चे वो आपके ब्लड पे ही जिंदा है, एक एक हर मतलब रोज पर डे मंथ मतलब एक महीने में एक बच्चे को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 से 2 यूनिट ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ब्लड हम कहाँ से दे पाएंगे? एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो वॉलंटरी ब्लड है, ये ब्लड प्रायोरिटी बेसिस पर उन बच्चों को दिया जाना है। और सबसे रेयर क्या ब्लड मिल रहा है आप लोगों की? डिमांड सबसे ज्यादा किस ब्लड की है? देखिए जिस तरीके का हमारा, जैसे क्या होता है ना कि इनपुट और आउटपुट, जिस तरीके का मार्केट में मतलब जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से जो ओ का ग्रुप माना जाता है, वो माना जाता है कि सबसे ज्यादा होता है परसेंटाइल में, और जो सबसे नेगेटिव ग्रुप जो होते हैं वो रेयर होते हैं। मतलब 5% 100 में 95% पॉजिटिव ग्रुप में आते हैं और 5% नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में भी जो AB नेगेटिव ग्रुप होता है वो सबसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना जाता है। अच्छा, ठीक है। तो जिस तरीके से डिमांड होती है उसी तरीके से, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास 5-5 AB नेगेटिव पड़ा हुआ है, कोई डिमांड भी नहीं आती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि डिमांड आती है, हमारे पास ग्रुप नहीं रहता है। तो ये हम लोग चलता रहता है, इसीलिए हम लोगों ने नेगेटिव ग्रुप का एक अलग से डाटाबेस बना रखा है, जिसमें जो है सारे नेगेटिव के डोनर्स का हम लिस्टिंग बना करके रखते हैं, और जरूरत पड़ता है तो उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं बुला करके। तो आप लोगों की जॉब सेंट्रल की है कि? सेंट्रल की, हम लोग सेंट्रल से हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी के वो हैं, बाकी ये जो वैन जो है ये हम लोग को नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जो सेंट्रल की एक बॉडी है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी UP से करके है, उन्होंने उन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये वैन जो है हम लोग को प्रोवाइड की गई यूनिवर्सिटी को। तो इस जॉब में आपको कोई चैलेंज लगा? बिल्कुल चैलेंज है, हमारे पूर्वांचल में बहुत चैलेंजेस हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा कैंपस है, इतना सब कुछ है, लेकिन बाहर बहुत अवेयरनेस की कमी है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। किस चीज़ को लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, किस चीज़ से लेकर के? हम लोग चाहते हैं कि आप ब्लड डोनेट करिए तो उसके दो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है कि आप अगर रेगुलर इंटरवल पर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहता है। जब हीमोग्लोबिन लेवल विद इन रेंज रहेगा तो आपको स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, जो पैरालिसिस होता है, लकवा होता है, जो हायर हीमोग्लोबिन, आप लोग देखते होंगे इको स्प्रिन टैबलेट खिलाई जाती है जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, खून पतला करने की दवाई। तो जब खून पतला करने की दवाई हम खिला रहे हैं, उससे बढ़िया अगर हम रेगुलर 3 महीने पर डोनेट करते रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो हम लोग रेगुलरली जो ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो हमारे बॉडी जो है पूरी तरीके से एक फिट होती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो हम लोग को मतलब करना चाहिए, सबको करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, ये फ्रूटफुल है कुछ, मतलब क्या नाम है आपको? तौसीफ आलम। कहाँ, BHU के स्टूडेंट हैं क्या? नहीं, लोकली हैं। कहाँ से पता चला कि यहाँ पे, ऐसी देखे और तुरंत आ गए क्या? हाँ, काफी दिन से सोच रहे थे ब्लड देने के लिए और ब्लड बस दिखा तो खुशी मिली कि नहीं मिली? नहीं, खुशी क्या मिली, मतलब ब्लड देने के बाद, हाँ खुशी ही समझ लीजिए, भाई किसी को काम आ रहा है, किसी को उपयोग में आ रहा है। भैया बताए ना कि बच्चे होते हैं मेनिया, प्लास्टिक मेनिया के, मतलब उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है। मेरा एक मित्र था, उसके बच्चों को यही हुआ, मतलब इतना ब्लड देने के बाद ओ नेगेटिव रेयर मतलब केस था, लेकिन बच नहीं सका,
तो ब्लड तो देना ही चाहिए, सबको देना चाहिए, जरूरत पड़ती है ब्लड की। कुछ पैसे वैसे नहीं नहीं लेते हैं ब्लड? कुछ पैसे नहीं देते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा फील करें, एक छोटा सा बॉल दिया गया, हैप्पी बॉल, फिर बहुत अच्छा ये ब्लड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। हाँ। फिर इसको आप लोग फ्रीजर में रख देते होंगे? फ्रीजर में नहीं रखते हैं, जब ब्लड आप हम लोग यहाँ से ले जाते हैं तो इसको हम लोग अलग अलग कंपोनेंट इसका सेपरेट करते हैं, जिसमें प्लेटलेट, प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिट सब अलग अलग करते हैं। अच्छा। तो सबका अलग जो है टेम्परेचर प्रोटोकॉल है। किसी को हम लोग फ्रिज में रखना होता है, किसी को डीप फ्रीजर में रखना होता है। अच्छा। किसी को अलग अलग जगह पे रखना होता है, सबका अलग अलग टेम्परेचर प्रोटोकॉल। अंदर भी आप घुमा देंगे? हाँ हाँ, आ जाइए, एक बार अंदर आइए आप। ये सारे कंपार्टमेंट लगे हुए हैं, काफी बढ़िया। बस क्या भाई साहब, क्या नाम है? प्रमोद कुमार। प्रमोद, मजा आ रहा है यहाँ पे काम करने? खुश हैं आप इसमें? बहुत। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? हम लोग डोनेशन कराते हैं, ब्लड निकालते हैं। ये पूरा बनाया गया है, ऐसे बैठ जाता हूँ, उनको थोड़ा सा देखने दीजिए। काफी बढ़िया व्यवस्था यहाँ, ये सब कूल वूल करने ये हम लोग जो है, जैसे हम लोग हमारे पास ये चार डोमेस्टिक फ्रिज हैं जो इसमें इनबिल्ट है, जो हमारे फ्रिज जो है अपना हमेशा रेडी टू यूज रहता है। अच्छा, ये सारे ये फ्रिज है, ये जो है, सॉरी डोमेस्टिक बोला मैंने, ये ब्लड BBR है, ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटेड है। तो इसमें जो है हम लोग ब्लड जो है रखते हैं। अब जब इसमें से ब्लड जब हमको निकाल कर फिर इसको हमारा ये है, इसमें से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड बैंक को। तो ये जो है हम लोग डे टू डे रूटीन प्रोसेस है उसमें। हाँ, ब्लड खराब ना हो और पहुंच जाए अपने सही समय से, सही वहां पर पहुंच जाए। बाकी जो है रिफ्रेशमेंट भी सारे डोनर्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये ओवन किस लिए रखा गया है? ये ओवन रखा गया है जैसे डोनर्स को कभी रिफ्रेशमेंट या कभी बाहर जाती है जब ये गाड़ी, जैसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उस दौरान जो है जो लोग टिफिन विफिन ले आते हैं या कुछ इस तरीके का, तो स्टाफ के लिए भी ये चीजें मैनेज की। फ्रूटी भी रखा जाता है? हाँ, फ्रूटी जो जितने लोग ब्लड डोनेट करते हैं उन सबको जो है रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। एक बार इनको भी दिखा दीजिए, क्या नाम है? सत्यम बघेल। कैसे, क्या सोच के ब्लड डोनेट कर रहे हैं बताइए? सर, हमारा बहुत मन था ब्लड डोनेट करने का। ऐसे घूमते टहलते आपने देखा तो आप अंदर आ गए कि पहले से कुछ डिसाइड करके आए थे? पहले से डिसाइड था, हम देखे भी घूमते हुए आ गए। बहुत अच्छी बात है, रक्तदान करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। आपने कभी किया जीवन में? कितनी बार रक्तदान किया है? किया है, 5-7 बार किया है। 5-6 बार कर दिया है जी। चलिए, शुभकामनाएं आप लोग को, बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और इसी तरीके से छोटा सा ऑफिस है ये आशुतोष सर का, हम लोग मेडिकल फिटनेस करते हैं, काउंसलिंग एरिया है जहाँ पे डोनर का सारे चीजें इंक्वायरी करते हैं, सारा डॉक्यूमेंट होता है ताकि इनका सर्टिफिकेट बाद में बन सके और इनको प्रॉपर पहुँचाया जाए। कुछ छूटे हैं कुछ बताने से? कुछ आप और बोलना चाहते हैं? मैं बस आपसे यही, आपके माध्यम से यही मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि जो आप ब्लड डोनेट करते हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद मरीजों को दिया जाता है। जैसे जरूरतमंद और ज्यादा जरूरतमंद में आप डिफरेंस समझिए। और ये जिन जरूरतमंदों को आप दे रहे हैं क्या उनसे पैसे लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ब्रीफ कर दूं, जरूरतमंद ज्यादा जरूरतमंद में डिफरेंस समझिए। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, 100 यूनिट पर डे की जरूरत है हमारे यहाँ, मतलब 100 लोग हमारे पास रोज वॉलंटरी डोनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि हमको उनसे रिक्वेस्ट करके डोनेट कराना पड़ता है। अब हमारे पास जो वॉलंटरी ब्लड की संख्या है वो काफी कम है जो लोग डोनेट, अब इनको हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो जैसे थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनका एक कार्ड बना रखा है, वो आते हैं ब्लड बैंक में, कार्ड दिखाते हैं, ब्लड उनको मिल जाता है। HIV पॉजिटिव, पूरे पूर्वांचल का एक हमारे यहाँ ART सेंटर है जिसमें सारे HIV के पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं। और HIV पॉजिटिव पेशेंट की स्थिति ये होती है कि अगर गांव में किसी को पता चल जाए तो गांव वाले उसको बाहर निकाल देते हैं, मतलब उनके साथ दूसरे तरीके का ट्रीटमेंट होने। हाँ, तो वो पेशेंट बेचारे सफर करते हैं, तो इसलिए उनको ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। आप सोचिए कि इधर जो सोनभद्र एरिया है, जो थोड़ा सा मतलब इलिटरेट एरिया है, उधर साइड से प्रेगनेंसी के लिए वुमेन, लड़कियां, औरतें आती हैं, उनका लगता है कि उनको ब्लड नहीं चढ़ेगा, वो मर जाएंगी तुरंत, तो उनको ब्लड जो है तुरंत एट अ टाइम होता है। ट्रॉमा सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर हमारे BHU के पास है, जब एक्सीडेंटल केस होता है आदमी को भर भर के बोरे में लेकर के आते हैं वहां पर। अब उसके घर वाले दूसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन आएंगे, चौथे दिन आएंगे, या हो सकता है 2-4 घंटे बाद आए, लेकिन मौके पर उनको जो ब्लड दिया जाता है वो ब्लड आप जैसे वॉलंटरी जो लोग डोनेट करते हैं इनका दिया जाता है। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि आप लोग उस तरीके के कैटेगरी में आते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद मरीजों को दिया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि हम आए हैं ब्लड डोनेट करने, आप ये सोचिए कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कहना भी है कि हम लोग जब अपने स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उसमें लिखा रहता है कि ओ नेगेटिव अर्जेंटली नीडेड इन दैट हॉस्पिटल, वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे, तो कई लोग जाते हैं कई लोग नहीं जाते हैं, लेकिन आज जाके पता चल रहा है कि कितना जरूरत है हमें ब्लड देने की। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो लोग इस तरीके का पोस्ट करते हैं या जरूरत बताते हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर हम पोस्ट करने लगे तो हमारे यहाँ काउंटर पे तो 100 लोग जरूरतमंद रोज आ रहे हैं।
हम 100 पोस्ट करने लगे। ऐसे ऐसे रूरल एरिया से लोग आते हैं जिनके पास कपड़े तक नहीं होते पहनने के लिए, वो कहाँ से पोस्ट करके आपको बुलाएंगे? उनके लिए तो ब्लड बैंक के पास ब्लड होगा तो उनको मिल जाएगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट, तो मेरी जरूरत ये है कि आप लोग के माध्यम से हो कि आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए, कैंप्स के थ्रू ब्लड बैंकों को इतना पावरफुल कर दीजिए, इतना ब्लड बैंक के पास ब्लड पर्याप्त रहे कि कोई भी रिक्वायरमेंट आए तो हम उसको फुलफिल कर सकें। मतलब हमारा इनपुट और आउटपुट अगर थोड़ा बढ़ जाएगा तो हम उनको आसानी से दे पाएंगे। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग ब्लड डोनेट करें कैंप्स के थ्रू। मतलब लगभग कितना यूनिट ब्लड एक दिन में चाहिए हमको? हमको लगभग 100 यूनिट पर डे चाहिए। और लगभग कितना मिल जा रहा है? नहीं मिल रहा है हम लोग, आप सोचिए अगर हमारा सालाना अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 35,000 यूनिट सालाना हमारा खपत है, 30 से 35,000, और हमको वॉलंटरी कैंप के थ्रू सिर्फ 4 से 5,000 यूनिट मिलता है। मतलब आज की डेट में हम भी 30,000 डिफिशिएट हैं हम लोग। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर है 9451940519। ये मेरा नंबर है, आपको कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप प्लान करना चाहते हो जिसमें 20 से 25 लोग हों, 10 से 15 लोग हों, तो आप हमको पर्सनली इस नंबर पे बात कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम जो है वहाँ पर आकर के ब्लड डोनेशन कैंप करा लेगी। तो इसके लिए आपको कहीं आने की भी जरूरत नहीं है, हम आपसे भी नहीं लगेगा और कहीं कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, सारा चीज़ें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी शेयर करने के लिए। रक्तदान की जब बातें आती हैं, ये देखिए बच्चे लोग, बच्चे ब्लड डोनेट करना चाहिए। सही में ना? हाँ। लोगों से बोलो तो लोग ब्लड डोनेट करें। आप ये सब लोग ब्लड डोनेट करिए क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है तो उसे ब्लड की जरूरत होती है, तो उसे उसके लिए हमें ब्लड देना चाहिए। आपने अपने लाइफ में किसी को देखा है कि उसको ब्लड की जरूरत है? नहीं, अभी तक नहीं देखा है। ये अच्छी अच्छा बात है ना ब्लड डोनेट करना। हाँ। क्या नाम है आपका? अलंकृता। अलंकृता, बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है आपका? काशी। वाह, काशी, काशी नाम है इसका। काशी मिली हमको, और ब्लड डोनेट करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें फ़ायदे ही फायदे हैं। और मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज का, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।